नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है बट इन स्टेटमेंट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि हमारे पास नंबर्स गिवन थे और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नाउ नंबर्स आर इन स्टेटमेंट फॉर्म। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज गिवन। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है अर्थ एंड मून के बीच की। हम इसे एज इट इज लिखेंगे डिस्टेंस को 384,1230 1230। नाउ कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें डेसिमल पुट करनी है। यदि हम डेसिमल यहाँ पुट करें 384,1230 1230। नाउ दिस नंबर कम्स बिटवीन 1 to 10 नंबर। दिस इज स्टैंडर्ड नंबर 384 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेम हमने जितनी डिस्टेंस गिवन थी उसे एज इट इज लिखा और हमने इसमें कोई भी डेसिमल नहीं था। यदि किसी की नंबर के बीच में डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है और उस डेसिमल को कहाँ तक रिप्लेस करना है 1 to 10 नंबर के बीच में। हमने डेसिमल को यहाँ पुट किया। दिस नंबर कम बिटवीन 1 to 10 384 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ जितने डेसिमल जितने की हम डेसिमल रिप्लेस करेंगे पावर्स में उतना ही नंबर हमें लिखना है। मीटर में है सो मीटर में आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज गिवन मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में स्पीड की लाइट की स्पीड गिवन है। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ हम इसे एज इट इज लिखेंगे नाउ कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि हम डेसिमल यहाँ रिप्लेस करते हैं 3.00 देन दिस इज स्टैंडर्ड नंबर 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है 3 6 7 8 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज स्टैंडर्ड नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन। इसमें क्या डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है 1 2 7 5 6 and 000। यदि हम फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में डेसिमल पुट करें 1.27 5 6 000। नाउ दिस नंबर कम्स बिटवीन 1 to 10 एंड 1 to 10 नंबर इज ए स्टैंडर्ड नंबर। दिस नंबर कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ कितने जितने के हमने डेसिमल को रिप्लेस किया 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज टू द पावर ऑफ 7 यूनिट सेम लिखेंगे मीटर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेटमेंट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है डायमीटर ऑफ द सन इज गिवन। इसमें सन का डायमीटर गिवन है। हम सेम नंबर लिखेंगे 4 कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यदि हम फर्स्ट टू नंबर के बीच में डेसिमल पुट करें 1.4 नाउ दिस टू नंबर्स कम्स बिटवीन 1 to 10 नंबर्स एंड दिस इज स्टैंडर्ड नंबर 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ जितने हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है जितने नंबर्स
10 raised to the power of 9. This is standard form of given number iter. And how can we read this number? By the standard form, 1.4 multiply 10 raised to the power of 9 meter. Answer. Question number 4 ka next part hai. In a galaxy, there are on an average stars. Galaxy mein average stars itne given hai. Now, this number write as it is. यदि हम फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में डेसिमल पुट कर दें 1.0 नाउ दिस इज स्टैंडर्ड नंबर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है 10 रेज टू द पावर में उतने नंबर्स हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 स्टार्स आंसर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर एंड दिस इज आवर आंसर Now, question number 4 ka next part hai. The universe is estimated to be about given years old. Same as it is, number likhenge hum. Now, convert this number into standard form. Yadi hum first two numbers ke beech mein decimal put karein, this numbers comes between 1 to 10 numbers and this is standard form. 1.2 and this is standard number 1.2 multiply 10 raised to the power of jitne number humne decimal ko replace kiya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raised to the power of 10 years This is standard form of given number and this is our answer. 1.2 multiply 10 raised to the power of 10 years. Now, question number 4th ka. Next part hai. The distance of the sun from the center of the Milky Way galaxy. Sun ki distance given hai kahan se? Center of the Milky Way galaxy. Is estimated to be given number. तो हमें इस नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में नाउ राइट दिस नंबर एज इट इज 300 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स 000 2 Now, put the decimal first two numbers 3.0 3 multiply 10 raised to the power of जितने नंबर हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है 10 raised to the power of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 10 raised to the power of 20 meter This is standard form of given number and this is our answer 3 multiply 10 raised to the power of 20 meter. Now question number 4 ka next part hai. Itne molecules are contained
गिवन मॉलिक्यूल्स आर कंटेन इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 grams. नाउ दिस नंबर कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म. 60 एज इट इज लिखेंगे 230, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टाइम हमें 000 करनी है. नाउ पुट डेसिमल बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स 6.0 230, 1, 2, 3. Now this number is standard form 6.023 multiply 10 raised to the power of कितने जितने की हमने decimal last में थी और कितने number replace किया है उतने के हम powers में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 10 raised to the power of 22. This is standard form of given number. Answer 6.023 multiply 10 raised to the power of 22. Now question number 4. The next part hai. The earth has itne kilometers of sea water. Now this number convert into standard form. 1 as it is likhenge 53 yadi hum first two number ke beech mein decimal put kare then this number convert into standard form 1.353. मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ जितने की हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 क्यूबिक किलोमीटर यूनिट एज इट इज लिखेंगे किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर आंसर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर एंड दिस इज अवर आंसर.